हेलो हेलो बैटरी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आपने वो अनमैच क्यूरी का इस्तेमाल किया था अपने ऑफिस या लाइफ में? कौन सा अनमाइल्ड का? अनमाइल्ड का मैंने अभी यूज नहीं किया हुआ है, उसमें अपने ऑफिस में इतना यूज नहीं किया है मैंने। बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमने उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हमारे बीच जो ये है दो टेबल के बीच का वो देखने के लिए ना, अनमाइज्ड गए। हाँ हाँ, कि दो टेबल में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, इस चीज को देखने के लिए इस्तेमाल, राइट? तो हमने, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने डेटा पे, अपने एक्सेस की क्रियरिंग पे। तो क्रिएट में हमने डिजाइन क्यूरी को कर लिया था, सॉरी इसमें माफ कीजिएगा, डिजाइन क्वेश्चन आ गया, डिजाइन फॉर्म आ गया। हमने क्रिएट में वेरी हमारे साथ जो है क्वेरी भी जाना। क्वेरी विजार्ड के अंदर हम गए थे, और क्वेरी विजार्ड में हमने सिंपल क्वेरी को किया था, क्रॉस टैब क्वेरी कर लिया, फाइन डुप्लीकेट क्वेरी कर लिया और फाइन अनमैच क्वेरी कर लिया। ये हमने कर लिया जो कि प्री डिफाइंड है। अब बात करते हैं कि हम अगर, ये तो थोड़ा डिफाइंड था इसलिए ऐसा किए, लेकिन अगर आपके पास आपका खुद का क्वेरी हो और उस पे आप ये लगाना चाहते हो, मतलब अपने हिसाब से क्वेरी लगाना चाहते हो, ये तो फ्री, ये तो क्वेरी विजार्ड में फिक्स है हमारा, हम चाहते हैं अपने हिसाब से क्वेरी लगाना, तो उस केस में क्या जाएगा? तो उस केस में हमारे पास आता है डिजाइन क्वेरी। डिजाइन क्वेरी में जैसे ओपनिंग करते हैं तो आपके पास आता है फोर टेबल। शो टेबल में आप अपने टेबल से जो टेबल पर लगाना चाहते हैं उस टेबल को आप यहाँ पे ऐड कर दें। हाँ अब इसमें क्या क्या है देखिए, पहले बता रहा हूँ। क्यूरी जो होता है दो तीन तरीके का होता है, सिलेक्ट क्यूरी, अपेंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी एंड डिलीट क्यूरी। चार क्यूरी का हमने आपको नाम बताया, सिलेक्ट क्यूरी, अपेंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी एंड आपका दिल डिलीट क्यूरी। दिल तो सिलेक्ट क्यूरी क्या करता है, डेटा को शो करता है। अपेंड क्यूरी क्या ओके करता है, डेटा इंसर्ट करता है, समझे? अपडेट क्यूरी क्या करता है, डेटा को अपडेट करता है, और डिलीट क्यूरी क्या करता है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। अपेंड इंसर्ट, अपडेट मतलब कि अपडेट करना, और डिलीट मतलब डिलीट, और सिलेक्ट क्यूरी को डेटा को शो करने के लिए। जैसे कि मुझे इसमें से सारे टेबल, सारे डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ जो स्टार है ना, इस पर डबल क्लिक किया तो ये आ गया कि न्यू टेबल में से सारे डेटा चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कंडीशन ही लगाना, कंडीशन में चाहते हैं कि हमारा जो आईटी है वो आईटी ही शो होना चाहिए, या मंथ, हम बोला मंथ शो होना चाहिए जैन, तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया में लिख दिया जैन, तो सिर्फ जैन महीना ही शो करेगा। यस कीजिए। अब क्यूरी पे क्लिक कीजिएगा, तो क्यूरी पे क्लिक करते ही देखिए जैन महीने का ही डेटा शो होगा, हाँ समझ गए? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जैन महीना, अब हर बार मैं क्यूरी में जाके चेंज तो नहीं करूंगा कि जैन की जगह फेब चाहिए, मार्च चाहिए, तो मैंने फॉर्म डिजाइन किया, ठीक है, माफ कीजिएगा, फॉर्म में मैंने एक क्रिएट में गया, एक डिजाइन डिजाइन फॉर्म पे गया, और मैंने डिजाइन फॉर्म में क्वेरी यहां से टेक्स्ट बॉक्स दिया और यहां पे मैंने दिया मंथ, मंथ में मैंने दिया जैन, ठीक है, माफ कीजिएगा, हमने गलत कर दिया, क्या हो रहा है मुझे आज, यहां पे मंथ,
और फिर मैंने यहाँ पे बटन लिया और बटन को ड्रैग किया। ड्रैग करते ही यहाँ पे फॉर्म ऑपरेशन मिसलेनियस में जाएंगे तो रन क्यूरी मिलेगा। ओके, कौन सा क्वेरी रन करना है? क्यूरी वन। नेक्स्ट, और इसमें क्या टेक्स्ट होना चाहिए? रन क्यूरी। तो रन क्यूरी की जगह पे मैं बोलता हूँ शो डेटा, शो डेटा, एंड हमने नेक्स्ट करके फिनिश कर, ठीक है। और फॉर्म वन को भी क्लोज, फॉर्म वन को क्लोज करने से पहले इसका नेम जो है, इसका नेम क्या है इसको देख लेते हैं, क्योंकि आगे वहां चेक करने के चाहिए। टेक्स्ट जीरो, अब चाहो तो इस टेक्स्ट जीरो का नाम चेंज करके आप यहाँ पे एम बना सकते हो, ठीक है। फॉर्म वन यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ हमारा जो क्यूरी है, डिजाइन क्यूरी पे आता हूँ, ये जो यहाँ शो कर रहा है ना डिजाइन, इसके हाँ जगह पे इस फॉर्म से डेटा लो, या फिर मैं चाहता हूँ रन जब हो तो, मुझसे पूछिए कि क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे एंटर यहाँ पे हमने इन्वर्टर को हमने दिया करते। और जैसे मैं क्यूरी को रन करूंगा, एंटर नेम दिख गया, यहां मैं मंथ डाल दूंगा कि फैब चाहिए, और जैसे मैं ओके करूंगा तो डेटा फैब का आ गया। एक तो ये सही है, क्या समझ में आया आपको? कि हाँ समझा। हाँ आप अगर चाहते हो कि, अगर मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे डेटा चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे जैन फाइव लिख देते हो। आप चाहते हो कि नहीं, जब रन हो तो एक इनपुट बॉक्स की तरह पूछे और बोले कि जो डालू वही मेरा रन है। ओके तो यहाँ पे मैंने एंटर नेम कर दिया, तो नेम यहाँ पे एंटर हो गया। मतलब ये जो टेक्स्ट है ये वैलिड ही रहेगा, मतलब इतना ही लिखना है कि एंटर नेम या कुछ कुछ ऐसा भी लिख लिखना ही सकते हैं, रहेगा ना। लेकिन बड़ी इन्वर्टर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। अब ऐसे नेम डाल दिए, जैसे मैंने एंटर या नेम कर दिया, तो क्या समझेगा फिर वो? वो समझेगा कि इसको मैच करना है, लग गया ना। अगर वो सिर्फ डबल इन्वर्टेड जो ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट बस वही दे के अगर बंद करता तो भी वो पूछेगा ही हाँ ब्लैंक में वहां पे वो, नाम। हाँ, लेकिन वहां पे ये नहीं पूछेगा, ऊपर हेडिंग नहीं देगा ना कि क्या चाहिए आपको, ठीक हाँ है। या मैसेज डाल दीजिए, एंटर योर मंथ नेम, एंटर योर डेटा क्राइटेरिया, जो भी डालना चाहते हो वो दे सकते हो यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्म से कनेक्टेड हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ हाँ कि वो फॉर्म से कनेक्टेड हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे बड़ी ब्रैकेट में लिखूंगा कि फॉर्म, और यहां पे ये होता है हमारा इसका साइन, फिर डालूंगा फॉर्म वन, देख आ रहा है ना, फिर यहां पे हाँ साइन डालूंगा और यहां पे मुझे देना है MM, ठीक है। ओके अब मैं इसको सेव करता हूं, उसके बाद मैं फॉर्म वन पे जाता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं, मान लीजिए मार्च, मार्च लिखा और शो डेटा पे क्लिक किया, मार्च डेटा आ गया। हाँ ओ, इस तरह से हम क्यूरी को फॉर्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम क्रॉस स्टेट क्यूरी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे डिजाइन क्यूरी पे आता हूँ, क्यूरी विजार्ड पे, एक क्रॉस स्टेप हाँ था ना हमारा, हाँ न्यू, हमने बोला यहां पे मंथ, नेक्स्ट, अच्छा डाल देते हैं।
कर देते हैं इसका सैलरी। ये मान लीजिए रिपोर्ट हमने बना ली, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास मंथ जो है यूनिक आ गया, ठीक है, मंथ हमारा यूनिक आ गया। उसके बाद हम फॉर्म पे आते हैं, फॉर्म नहीं मान लीजिए हम टेबल पे आते हैं, मंथ में, ठीक है, और नहीं इसके इसके जगह पे हम मान लीजिए टेबल सिंपल तरीके बता रहा हूँ, ऐसे इसकी और भी तरीके हैं लेकिन सिंपल तरीके में बता रहा हूँ कि मैं टेबल डिजाइन करूंगा और मंथ में जहां हम शॉर्ट नेम लिख रहे हैं इसके जगह पर लिखेंगे लुकअप विजार्ड, मैं ओके दोबारा इसको डिलीट करता हूँ, नहीं हुआ चेंजेस में। नहीं वो बेसिकली पहले ले लिया था ना इसलिए दोबारा से करता हूँ, चेंज कर टेबल की प्रॉपर्टी चेंज करने में दिक्कत होता है। ये मन तो रिजर्व वर्ड, हाँ ओके पकड़ा है। रिजर्व वर्ड था ना इसमें लुकअप विजार्ड जो है इसमें टाइप करना होता है एक या अनदर टेबल से ले सकते हैं, तो यहाँ हमें किससे लेना है, न्यू से लेना है, नहीं न्यू से नहीं हमें लेना है क्यूरी से, टेबल से नहीं लेना है हमें क्यूरी से, तो हमें क्यूरी न्यू क्रॉस टाइप क्यूरी से लेना है। कौन सा चाहिए मुझे यहाँ पे, ये चाहिए मंथ। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फ्री, ठीक है। उसके बाद अब इस पे मैं फॉर्म बना रहा हूं, फॉर्म आ गया, हाँ और इसको सेव कर देता हूं टीआर फॉर्म के नाम, टीआरएफ। अब इसके डिजाइन क्यूरी पे मैं जाता हूँ, डिजाइन फॉर्म पे। अभी आई नहीं रखना है ठीक है, नहीं रखना तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और इसको नीचे कर देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा है ना। और यहां पे मैं एक बटन डिजाइन करता हूं और इस बटन में कमांड देता हूं मिसलेनियस, यहां पे एप्लीकेशन मिसलेनियस में रन क्यूरी, नेक्स्ट कौन सा क्यूरी क्यूरी वन, नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा पता आपको, क्वेरी में जो मंथ रहेगा वही आएगा। नहीं, यहाँ देखिए ये मंथ का लिस्ट आ जाएगा, कौन सा लिस्ट है, इसमें अगर मंथ इंक्रीज होगा तो यहाँ भी इंक्रीज और ये इसी को एक्सपोर्ट करना, होगा, ठीक इसी यही डेटा एक्सपोर्ट करना रहेगा तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। है। हाँ उसके लिए फिर आपको आगे के प्रोग्राम में लिखना मेक टेबल बनाना पड़ेगा, कि आपको जो है ना क्यूरी से रन होगा मेक अ टेबल वाली क्यूरी रन, बुझे ना। ठीक है वो ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपको मेक अ क्यूरी वाला भी बताएंगे, आपको मेक हाँ टेबल वाला, ठीक है चले।